हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 से इस वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। 71 ने हमसे बोला है एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एंगल एबीसी हमारा 90 है। एक समकोण त्रिभुज है मेरे पास जिसमें ए बी 90 है एंड सी यहाँ पर है, ठीक है। ए बी सी हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन ने आगे बोला है कि बी एन ए सी पर लंब है। बी एन ए सी पर है और वो क्या है, लंब है, ठीक है। लंब दिया हुआ है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है उनमें ए बी बराबर 6 है। ए बी बराबर, ये हमें दिया हुआ है 6, ठीक है। ए बी बराबर 6 है, ए सी बराबर 10 है। ए सी ये हमें दिया हुआ 10, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ए एन रेशियो एन सी हमसे पूछा है। ए एन रेशियो एन सी, ठीक से ध्यान से देखिएगा। 3, 4, 5 मतलब 6, 8, 10, तो ये तो त्रिप्लेट से हमारी साइड आ जाएगी 8। अब आप लोगों को पूछा है ए एन, ये पॉइंट क्या है, यही होगा एन शायद। क्वेश्चन में देखिएगा बी एन, ठीक है। बी एन जो है ए सी पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा है ए एन, मतलब ये वाली लाइन, और ए एन बराबर क्या होता है, बेसिक वीडियो देख ली होंगी। ए एन बराबर इसके पड़ोस वाले एंगल का स्क्वायर 36, कैसे 6 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कर्व कितना है, 10 है, ठीक है। ए एन हो गया। अब हमें निकालना है क्या, एन सी। तो एन सी बराबर क्या होता है, एन सी बराबर होता है 8 का स्क्वायर, 8 8 64 डिवाइडेड बाई 10। अब क्या करना है, रेशियो में वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 36/10 रेशियो 64/10, 10 से 10 हटा देंगे एंड 4 से काट लें, 4 9 36 रेशियो 4 1 4 4 6 24, तो 9 16 हमारा रेशियो आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 ने बोला है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दो भुजा समान है, ये वाली भुजा आइसोसेलेस समकोण मतलब 90 डिग्री। इनके नाम दिए हैं हमें, नहीं दिए, तो ए बी सी, ए बी और सी हमने मान लिया, ठीक है। अब जब ये दोनों भुजा सेम है तो इस भुजा को मैं ए ले सकता हूँ, इस भुजा को ए ले सकता हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, ए का स्क्वायर कितना हो गया, 2a² तो मतलब √2 × a हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें दिया परिमाप कितना, 2p, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग परिमाप कितना है, a और a 2a प्लस √2a बराबर दिया हुआ है 2p, ध्यान से देखिए ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2p, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 1/2 × base × height लगा देंगे, लेकिन बेस और हाइट दोनों सेम है, यहाँ पर a का मान तो हमें चाहिए। मैंने a माना, यहाँ पे क्या मान लिया, √2a, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते, पैरामीटर हमें दे रखा है, तो इसमें 2 कॉमन ले लो, a कॉमन ले लेते, a बराबर हो जाएगा 2 + √2 = 2p। तो a इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 2p डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा, 2 + √2, a की वैल्यू आ गई, एरिया निकाल सकते हो भाई, बेस भी यही है, हाइट भी यही है, तो 1/2, ठीक है, एरिया बराबर 1/2 बेस, बेस कितना है मेरा a, a का मतलब है 2p डिवाइडेड बाई 2 + √2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी मेरी सेम है, 2p डिवाइडेड बाई 2 + √2,
इसे हमें सॉल्व करना होगा और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 2p एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे p, तो a बराबर हो जाएगा कितना, 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2, तो ये तो 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओपन कर लेते, 2 दुनी 4 हो गया, प्लस यहाँ पर रूट 2 का मतलब 2, प्लस 2 जो 4 रूट 2, ठीक है। ये नीचे कितना हो गया, a बराबर 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 रूट 2। 2 से इन दोनों को काट दो, कैसे, 2 3 6 प्लस 2 2 4, मतलब ये हो जाएगा हमारा। अब इससे इस नंबर को रेशनलाइज कर लेते हैं, कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई कर दे साइन चेंज करके, तो एरिया बराबर हो जाएगा देखो कितना, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें नीचे 3 का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b बन रहा है, तो a स्क्वायर चेक करेंगे 3 त्रिका 9 हो रहा है, ये हमारा 8 आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। 2 2 4 4 2 8, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये किसी काम का नहीं है, आप लोगों ने इंडेसिस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो कितना हो गया फाइनली 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। एंड पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर अलग कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 रूट 2, माइनस का साइन आएगा, ये तो आप लोगों को यहीं पर दिखाई दे जाएगा, जैसे आप 4 प्लस 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, आधा करेंगे, रेशनलाइज तो करना होगा क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आप स्टेप मिस कर सकते हो, मैं मिस नहीं किया, अगर मैं मिस करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा 73 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ने हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी ए पर समकोणीय है, मतलब एक त्रिभुज है एबीसी जिस पर ए पॉइंट समकोणीय है, ए बी पॉइंट ये हो गया, यहाँ से एक लाइन ये सी के लिए पहुँच गई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है, और जिसमें बीसी बराबर 5 है, बीसी बराबर हमें दिया 5, ठीक है। आगे देखिएगा, दो माध्यिकाएं बीएल और सीएम, बीएल B से लेके L यहाँ तक माध्यिका, मतलब मिड पॉइंट होगा, और CM यहाँ से लेके इस पॉइंट पर होगा CM, BL और CM, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन ने हमें दिया है तदनुसार यदि BL बराबर 3√5, BL बराबर हमें दे रखा है, BL कहाँ है ये वाला, तो BL इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 3√5/2, ठीक है। बी एल हमें पता है, और हमें पूछा है क्या, सी एम की लंबाई कितनी होगी, मतलब हमसे पूछा है कि सी एम ये कितना होगा जी। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी मीडियन समकोण त्रिभुज में इंटरसेक्ट करते हैं, जब भी कभी समकोण त्रिभुज में मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, उस केसेस में हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए, और वो रिलेशन है 4, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर बराबर हो जाता है 5 गुना हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब सी बी का स्क्वायर। ये रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, कब, जब मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लेते, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ दे रखी है बी एल की, ठीक है, और ये भी पता है हमें सी बी पता है, बी एल पता है, अपना काम हो जाएगा, सी एम निकल के आ जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 5 15 तो ये हो गया, 2 2 4 ये हो जाएगा,
ठीक है, तीन त्रिका नौ, नौ पंजे पैंतालीस, सॉरी तीन त्रिका नौ हो गया, नौ पंजे पैंतालीस, पैंतालीस बट्टे हो जाएगा कितना, दो का स्क्वायर चार, क्योंकि यहां पर बीएल स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया 45/4 इज इक्वल टू, पांच तो लिखा हुआ है मेरा, एंड सी बी का स्क्वायर मतलब 5×25। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई तो करना होगा भाई, यहाँ से कोई वैल्यू कट नहीं रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चार का मल्टीप्लाई अंदर 4cm² प्लस यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूँगा इसके लिए 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 45 ओनली, 25×5=125। ठीक है, तो 4cm² इक्वल टू 45 को उधर भेज दो जी, 45 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 बन जाएगा, 125 में से माइनस कर देंगे, एंड 4 से इसे हम काट सकते हैं, 4 × 2 = 8 मतलब 20, तो यहाँ पे सी एम इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 20, तो 20 से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4×5=20 होता है, तो मतलब 2√5, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी कभी मीडियन, क्या मीडियन यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है मेरी मीडियन है, माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका के केस में जब दो माध्यिकाएं इंटरसेक्ट करती हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, तो आपके दिमाग में सीधे ये वाला केस आना चाहिए। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, तो 2√5 हमारा राइट आंसर होगा, 2√5 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं, 74 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 में दिया, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समकोण है, त्रिभुज है, एंगल ए बराबर 90 है। 74 देखिए, एंगल ए बराबर 90 है, बी ये ले लो, फिर सी ये ले लो। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है, आगे बोल रहे हैं कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, एडी बीसी पर है परपेंडिकुलर, तो मतलब ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का जो मान दिया हुआ है, एबीसी का एरिया पता है 40 cm², मतलब इस पूरे त्रिभुज का एरिया कितना है 40 है। ठीक है, पूरे त्रिभुज का एरिया कितना दिया हुआ, मैं साइड में लिख देता हूँ, 40 दिया हुआ है पूरे त्रिभुज का। ठीक है, ओके, आगे देखिएगा, आगे बोल रहे एसीडी बराबर 10 है, ए सी ये पॉइंट डी है, एसीडी बराबर अगर 10 है और पूरे का 40 है तो ये कितना हो गया 30 हो गया, पूरा टोटल 40 है। ठीक है, आगे देखिएगा, ए सी बराबर 9 है, ए और सी ये हमारी 9 दे रखी है। ठीक है, आगे देखिएगा, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा बी सी की लंबाई, बी सी मतलब ये हमसे पूछ ली गई, तो हमें भाई, मैंने जो आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाया था, ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होते, मतलब ये कि ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर है और बड़े वाले के सिमिलर भी ये दोनों ट्राइंगल है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो, याद करो थोड़ा बहुत, अगर बेसिक किया है तो याद होगा। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं बड़ा वाला, आपको जैसे ही लेना है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन ध्यान से रखना, अब हमें निकालना क्या, ये निकालना है, तो मतलब ये भुजा निकालनी है इस 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, तो मैं त्रिभुज ट्राइंगल एबीसी बड़ा वाला, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया एंड डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमारे पास एरिया है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया ट्राइंगल इस वाले को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को भी ले सकते हो। ठीक है, मैं एक तो बड़ा ले रहा हूँ जिसका एरिया हमें दे रखा है 40। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और इसके भी ये क्या है सिमिलर है, इसके भी सिमिलर है और ये आपस में भी सिमिलर है। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, रास्ता आपके पास बहुत सारे। यहाँ पर देखेंगे ए बी कौन सा लिया है मैंने, बी पॉइंट है ये वाला, तो यहां पर कुछ भी ले लो, ए सी डी ले लो, ए पॉइंट हमने पहले में लिया 90 का, तो हमें डी पॉइंट लेना पड़ेगा, डी सी ए। ठीक है, बराबर, अब इनमें से ये वाली जो भुजा है बड़े वाले त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने, बड़े वाले त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा है सी बी,
सी बी का स्क्वायर के बराबर होगी एरिया, ठीक है। एंड नीचे हो जाएगी छोटे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली, मतलब ये ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर मतलब 9। तो यहां पे अभी मैं लिख देता हूं ए सी का स्क्वायर। ये कंडीशन बनेगी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, लिखना और सारी चीजें मैं बता चुका हूं, तो यहां पर दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग बता दिया। इसका एरिया त्रिभुज एबीसी का एरिया 40 है, एंड यहां पर डीसीए, डीसीए का एरिया कितना है 10 है, बराबर सी बी हमें निकालनी है, मतलब सी बी या बी सी, ठीक है, सी बी स्क्वायर हमें निकालना है, और ये हमें दिया 9 81, तो यहाँ पे 1010 चार का मल्टीप्लाई कर लें तो सी बी स्क्वायर बराबर 4 × 4 हो जाएगा, 4 8 32 324, तो रूट निकालेंगे तो सी बी बराबर आ जाएगा कितना 18। यह हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए, 18 हमारा राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल सिंपल, लेकिन कंडीशन पता हो, लिखने का तरीका पता हो तभी, नहीं तो आप इसे दोबारा बनाओगे डायग्राम फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है और भी टाइम लगे। चलो क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं, 75 क्या बोल रहा है देखिएगा। तभी तो बोल रहे हैं हम कि हम तो यही मानते हुए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों ने बेसिक वीडियो कंप्लीट देख ली होगी और प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ट्रायंगल एबीसी बराबर 90 है, एबीसी हमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह हमारे लिए बेनिफिट है। चलो ठीक है, एक यहां से ओके, यहां पर दिया एबीसी, ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये 90 है एंड ये भी 90 होगा, ठीक है। आगे देखो डी और ई, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कौन किसके बराबर है। क्वेश्चन में दिया है एंगल ए बी सी बराबर 90, बी सी डी ई के समांतर है, मतलब बी सी जो लाइन है डी ई के पैरेलल है, ठीक है, डी ई के पैरेलल है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी बराबर 12 है, ए बी बराबर ये दी गई है 12, ठीक है। आगे देखो एंड बी डी बराबर है 6, बी डी बराबर है 6, ठीक है, बी सी बराबर है 10, बी सी मतलब ये है 10 और इसकी ये रही, ये हमें पूछी गई होगी, तो डी ई, तो हमसे पूछा गया डी ई की लंबाई कितनी हो, बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे पहले ये देख लो, वैसे तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है भाई, ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, एंड ये एंगल दोनों में कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज में भी एंड छोटे वाले त्रिभुज में भी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो सीधी सी बात है मैं क्या करता हूँ, पहले बड़ी वाली भुजा ले लेता हूँ, बड़ी वाली त्रिभुज की बात करूँ तो बड़ी वाली भुजा 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया, तो 18 बाई छोटे वाले त्रिभुज की 12 बराबर छोटे वाले त्रिभुज बड़े वाले की, बड़े वाले की कितनी है डी ई, ऊपर हम बड़े वाले ले रहे हैं, डी ई डिवाइडेड बाई ये कितनी है 10 है, बस करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने भाई, ये इसके साथ की है, ये इसके साथ की है, मतलब अगर आप अलग अलग बनाओगे तो संगत भुजा आप लोगों को दिख जाएंगी, 6 × 12 6 × 3 = 18, 2 × 5 = 5, 5 × 5 = 15, तो डी ई बराबर हो जाएगा 15, 15 हमारा राइट आंसर होगा, तो क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, 15 राइट आंसर, ठीक है। तो 15 देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा फटाफट, है ना बिल्कुल सिंपल, लेकिन कब सिंपल है जब आप लोगों ने सिमिलरिटी के रूल्स पढ़ रखे होंगे, ठीक है, पढ़ना आसान है लेकिन उनका फॉलो मतलब उन रूल्स को फॉलो करना या फिर क्वेश्चन पर प्रयोग करना हिंदी भाषा में बोले तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, 76 क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो एबीसी त्रिभुज समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे ही मन में आता है इसका मतलब ये होता है ये तीनों भुजा बराबर है, ठीक है, एंड एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का होता है और ये भी 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज बोल दिया। तो आगे देखो ए बी तथा ए सी पर पी क्यू दो ऐसे बिंदु हैं, ए सी ए बी और ए सी पर दो बिंदु पी क्यू ऐसे हैं, पी क्यू बिंदु दो ऐसे हैं
जो कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के, मतलब ये वाली लाइन जो है इसके समांतर है, ठीक है, बराबर तो है ये तीनों लेकिन समांतर भी दी गई है, ठीक है, पैरेलल भी दी गई है। आगे बोल रहा है संबंध, तदनुसार यदि पी क्यू बराबर पाँच है, पी क्यू बराबर पाँच है तो हमसे पूछा है, यही पूछेगा तो और सिंपल है, तो हमसे पूछा है कि ये बता दो तो ए पी क्यू क्या होगा, वाह ए पी क्यू क्या होगा, ये एंगल पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहे कैसे भी ले लो, दो पैरेलल लाइन्स है भाई, ये दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ना, तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ऊपर वाले कोण बराबर, यहाँ पर भी एंगल बराबर, तो ये भी 60 होगा, जब ये 60 तो ये भी 60 होगा, वाह क्या क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ये आंसर हो गया जी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड यहाँ पर मानना चाहो ये मान लो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, तो ये तो शायद क्वेश्चन दिखने में ही ऐसा लग रहा था लेकिन है तो बच्चों वाला, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है थोड़ी ना, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, बस कंडीशन यही है कि आप लोगों ने एक बार बेसिक वीडियो सारी कंप्लीट प्रॉपर नोट्स बना के देख लिया हो तभी तो है कि नहीं। अब क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में हमें एक पाइथागोरस थ्योरम दे रखी है, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, मतलब बी सी हमारी क्या है, यहां पर बी सी दे रखी है हाइपोटेनस मतलब कर्ण, तो मतलब ए पॉइंट क्या होगा मेरा, ए होगा 90 डिग्री, ए बी सी, भाई उस कंडीशन को तो वेरीफाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे बोला बी सी बराबर है रूट टू ए बी के, अब देखो यहां पर रूट टू ए बी का मतलब है, ये जो बराबर दे रखा है रूट टू, मैं सिर्फ लिख रहा हूं रूट टू ए बी के बराबर है, ध्यान से समझना, जब ये रूट टू ए बी के बराबर है, ए बी क्या है मेरा, ए बी ये वाली साइड है, मतलब इसके बराबर है, ये तो 90 डिग्री है ही है। अब एक बात बताओ, रूट टू ए बी, अगर मैं इसे मान लू ए और ये हो गई ए, तो ये दोनों जब ए होंगी, जब मैं क्या करूंगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, रूट के अंदर में ए स्क्वायर, ध्यान से देखो, प्लस ए स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा रूट टू ए, यही तो होगा, क्योंकि ए रूट टू मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर होगा, टू तो अंदर रह जाएगा ए बाहर निकलेगा, वही चीज हुई है, हमें ए बी बोल दिया गया है, बस ए बी सिर्फ एक पॉइंट डराने के लिए कि सिर्फ इसके बराबर ना, ये आप लोग खुद समझोगे कि जब ये दे रखा है तो ये भी बराबर ही होगा, समझ गए, इसे लिखा रहने दो चाहे कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों साइड्स बराबर होगी, ये 90, जब ये साइड बराबर ये साइड बराबर तो ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, समझ गए। क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन बोले एंगल ए बी सी कितना होगा, ए बी सी, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल पूछा है, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, समझ के, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 40 डिग्री, तो बी पर बाह्य कोण क्या होगा। देखो भाई एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी और वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि हमें भुजा बराबर दे दिए लेकिन बोला नहीं है, बोला नहीं है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कंडीशन पता है जब ये दोनों बराबर है तो ये वाले कोण बराबर होंगे आपस में, हमें ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है ये देख लीजिए बस, एंगल बी ए सी बराबर है 40 डिग्री, जब ये 40 डिग्री है तो एक बात बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर है भाई, पूरा होता है 180 का माइनस करेंगे 140 बचा, 140 का 70 इधर दे दो जी, 70 इधर दे दो जी, इतना तो क्लियर। आगे बोल रहा है क्वेश्चन की बी पर बाह्य कोण, बी पर बाह्य कोण है मतलब ये वाला कोण है बाहर की साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है, बी पर बाहर कोण है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा ये कितना होगा, वाह भाई वाह 70 ये है तो ये कितना हो जाएगा 110, ये भी कुछ पूछने की बात है, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, चाहे तो 180 लगा लो
चाहे तो इन दोनों का सम लगा लो भाई, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, तो यहाँ पर 70 और 40 कितना हो जाएगा, ये भी 110 होगा, तो इन दोनों के सम के बराबर भी हो जाएगा कहने को, ठीक है। एंड कहने को ये भी हो जाएगा 70 पूरी लाइन 180 की है, पूरी लाइन 180 की है, तो ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, 110 डिग्री हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, ठीक है, 79 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किसी समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का दुगुना है, तो देखो ध्यान से, एक त्रिभुज है मेरे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज का गेम है और कुछ नहीं है। ए बी सी जे ये इसके समान एंड ये दोनों एंगल भी समान, मान लेता हूँ एक रेशियो एक है, रेशियो में मान लो ना दोनों समान है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है देखो ध्यान से, यदि असमान कोण मतलब ऊपर वाला कोण, मतलब ऊपर वाला कोण समान कोणों के, समान कोणों के, एक एक माना आप 10-10 मान लो जी, ठीक है, आप लोगों एक ही क्यों माना, तो इसलिए 10-10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। समान कोणों के मतलब इन दोनों को प्लस कर लेंगे के योगफल का दुगुना, मतलब इनका योग करेंगे 2 और इसका दुगुना है कौन, इसका दुगुना है जी एंगल ए, तो एंगल ए बराबर कितना हो गया जी 4। अब देखो भाई एंगल ए बराबर 4 है, ये एक है ये एक है, तो सिंपल अगर हम 4 5 6 6 बराबर कितना होता है भाई 180 डिग्री, तो 1 बराबर 6 3 18 30 डिग्री, सीधी सी बात है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम तो 180 होगा, तो हमसे पूछ क्या रहा है वो देख लो, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है तो बता दो प्रत्येक समान कोण कितना होगा, समान कौन से ये दोनों हैं, तो ये वाला पता कर लो भाई, तो इसमें मल्टीप्लाई 1 बराबर 30 है तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर भी कर सकते हो आंसर, यहाँ पे कर दो यहाँ पे कर दो यहाँ पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर 30 डिग्री ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, ठीक है, 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 ने हमसे बोला त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी, त्रिभुज एबीसी में, यहां पर भी देखो त्रिभुज एबीसी में ए बी एंड सी में एबी बराबर एसी, यही बोल रहा है, ए बी बराबर ए सी, बी ए डी तक ऐसे बढ़ाया जाता है, बी ए ये वाला एंगल ऊपर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ऊपर दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं इतना बढ़ा देता हूँ जिससे आप समझ जाओ बढ़ रहा है, बी ए कहाँ तक बढ़ा रहे हैं हम, डी पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है ऊपर डी है, ओके आगे देखो, जिसमें दिया ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, ये दोनों बराबर हैं, ए सी एंड ए डी ये दोनों बराबर, मतलब ये तीनों बराबर है, अब ये वाला पूछ लेगा मुझे पता है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो ये वाला जो है यहाँ से बनता है 90 डिग्री, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एंगल जब बराबर है इसके और ये एंगल इसके बराबर है तो ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, हमेशा 90 डिग्री बनता है, लेकिन क्वेश्चन में देख तो लो यही पूछ रहे हैं कि नहीं, तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एंगल बी सी डी, बी सी एंड डी पॉइंट तो मेरा ये है तो कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप भी बिल्कुल सिंपल मेथड से कर सकते हो, जब ट्राइंगल के अंदर बीच वाली लाइन एंड हमारे पास देखो ये हमेशा 90 हो जाएगा जब ये 1 2 और ये 3 स्टार्टिंग से पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बोला है कि ये वाला पॉइंट याद रखना है हमेशा, हर कोई बताएगा नहीं आप लोगों को लेकिन याद रखना बहुत हेल्पफुल पॉइंट है, ठीक है, चलो ओके फ्रेंड्स फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।